हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लास्ट क्लास से जितने क्वेश्चन हो गए थे उससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? बुक सभी अपने साथ ही रखा करें। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 बिल्कुल एक जैसे हैं, और इसमें सबसे मुझे जो लग रहा है कि सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। तो मैं इसका 20 का एक पार्ट कराता हूँ आपको, आपको खुद करने। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मेरे पास क्वेश्चन है 50, 5602, मतलब 5602 को भाग करना है। सबसे पहले तो मुझे साइन पता होना चाहिए, चिन्ह काय का ये भाग होगा। बाद वाली संख्या से भाग करेंगे शुरू वाली संख्या। क्लियर? तो 61 का पहाड़ा पहले दो डिजिट देखेंगे, तो कम है अब तीन डिजिट। अब एक बार, दो बार, तीन बार, क्या करें, इससे ज़्यादा ना हो और इसके बिल्कुल पास हो, तो आप 9 बार करेंगे। क्लियर? 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब इसे घटाओगे आप, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1। क्लियर? उतार लोगे आप इसे। अब 61 एकम 61, अब 61 दूनी इससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो 61 एकम 61 लिखेंगे आप और इसे घटा देंगे। 2 में से 1 गया 1 और 11 में से 6 गए 5। तो मेरे पास ये हो गया शेषफल और ये मेरे पास हो गया भाग। क्लियर? ऐसे इसके बाकी पार्ट आपको खुद करने। अब क्वेश्चन नंबर मैं 21 की बात कर रहा हूँ। एक मेले में इतने लड़के गए। क्लियर? 55,245। यदि मेला देखने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों से इतने अधिक है तो कितनी लड़कियाँ मेले देखने गई। क्लियर? अब लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, इतने लड़के हैं और इतनी फालतू लड़कियाँ हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या है, 55,245 लड़के, ये कितने हो गए लड़के, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, इनसे 27,145 फालतू है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर? तो मेरे पास ये कितनी हो जाएंगी, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लड़कियों की संख्या। आप इन दोनों को ऐड कर देना, 5, 5, 10, 4, 4, 8, 1, 9, 2, 1, 3। क्लियर? 5, 7, 12, 5, 2, 7, 1, 8 हासिल का। क्लियर? तो 82,390 मेरे पास क्या है, लड़कियां, और टोटल पूछ रहा। अब इतने लड़के हो गए मेरे पास और ये हो गए लड़कियां, टोटल पूछ रहा, तो आप लड़कों और लड़कियों को ऐड कर दोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, 24 एक जैसे हैं, इन्हें आपको खुद करने। इसमें देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और ये आपका पुनरावर्ती चैप्टर में बताता हूँ कि पिछली क्लास का ही होता, आधे से ज़्यादा सिलेबस इसमें। इसमें लगभग आपके 110 क्वेश्चन हैं, तो जो जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये थोड़ा लेंथी है उसे मैं कराऊंगा, बाकी के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको खुद करने। क्लियर? देखो मैं 25 क्वेश्चन की हिंट देता हूँ 25वें की। एक किताब का मूल्य 85 रुपये है, एक का मूल्य दे रखा और ज़्यादा का पूछ रहा हो तो हमेशा गुणा करेंगे। 8 किताबों का मूल्य पूछ रहा तो 85 में आप 8 की गुणा करके लिख दोगे। क्लियर? तो ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर सारे एक जैसे हैं। 29वां देखो, एक पैकेट में 24 पेन आते हैं, 12 पैकेट में कितने पेन आएंगे। जब भी एक की दे रखा हो, ज़्यादा की पूछ रहा हो तो गुणा, और जब ज़्यादा की दे रखा हो, एक की पूछ रहा हो तो हमेशा भाग। क्लियर? अब देखो जैसे 32वां क्वेश्चन है, सचिन ने 8 बॉल 112 रुपये में खरीदी, तो एक बॉल का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ज़्यादा की दे रखी है, कम की पूछ रहा, तो क्या करोगे आप, बिल्कुल सही, भाग। क्लियर? 8 एकम 8, घटाने पाया 3, 2, 8 चौक 32। तो एक बॉल का कितना मूल्य है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूँ मैं, 14 रुपये है एक बॉल का मूल्य। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये दे रखा मेरे पास, और 38 ये एक जैसे हैं। एक में क्या है कि सम संख्या पूछ रहा है और एक में क्या, विषम संख्या। तुम्हें पता है सम संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से डिवाइड करें और उनका शेषफल हमेशा 0 है, वे सम संख्या कहलाती हैं। और वे संख्या विषम कहलाती हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड करें, हमेशा शेषफल 1 आए, वो विषम संख्या कहलाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखो सम संख्या कौन सी, 1 तो 4 हो जाएगी, 2 से कट जाएगी, 12वीं 2 से कट जाएगी, 14वीं, 22वीं, 18वीं, और जो बाकी हैं आपको देखकर लिखनी है। विषम संख्या जो 2 से नहीं डिवाइड हो वे। क्वेश्चन नंबर 39 की मैं बात करूं, निम्न संख्याओं के पहले 4 गुणज लिखिए। पहले 4 गुणज मतलब उसका पहाड़ा लिख दीजिए। देखो 4 एकम 4,
चार दूनी आठ, चार थिया बारह, चार चौक सोलह, चार पंजे बीस। ठीक है, अब सात के भी लिखोगे, चार गुण सात एकम सात, सात दूनी चौदह, सात तिया इक्कीस, सात चौक अट्ठाईस, सात पंजे पैंतीस, ऐसे ही आप लिख दोगे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की मैं बात कर रहा हूँ। निम्न में से भाज्य संख्याएं छाट कर लिखिए। एक होती है भाज्य संख्याएं, एक होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो केवल अपने आप से कटें और एक से कटें, लेकिन भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने आप से कटें, एक से कटें और किसी एक और डिजिट से कम एक और डिजिट से डिवाइड हो। याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है और सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। तो भाज्य संख्या कौन सी है? दस की, क्योंकि दस दो से भी कटती है, पाँच से भी कटती है, दस से भी कटती है, अपने आप से कटती है। बाईस है, पैंतीस है, आप इनमें और भी हैं, मैंने कुछ बता दी। अभाज्य जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे। तो क्वेश्चन नंबर 41 तक आपको करने हैं और साथ के साथ रिवीजन भी करना है इनका। क्लियर। थैंक यू क्लास।